अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। देखिए आज हमने कितना टेस्टी टेस्टी रायता बनाया है, कितना मजेदार रायता है। ये सर्दियों के मौसम में बथुआ खूब आता है और हमने बनाया है कितना बढ़िया सा रायता, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये बनाए हैं हमने कितने बढ़िया वाले, एकदम सस्ते लो क्वालिटी वाले ही चावल है, लेकिन हमने आज इनका बना दिया एक सिंपल सा पुलाव आलू मटर वाला। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, और एकदम खिले खिले चावल दिख रहे हैं ना ये। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आज बथुआ लिया है, तो देखो ये बथुआ है, सर्दियों के मौसम में बथुआ खूब आता है। ये मैंने इसको साफ कर लिया था, इसकी जो भी गंदगी थी, बड़ी बड़ी डंडियां थी, वो निकाल दी मैंने, और ये कच्ची कच्ची डंडियां मैंने रख ली है। तो ये अभी मैंने साबुत ही रखा है, देखो ये टूट जाती है, तो मैंने अभी ये साबुत ही रखा है, तो मैं इसे साबुत ही अभी धोऊंगी इसको। तो मैं पहले इसको धो लेती हूँ। ये देखो मैंने इसको धो लिया है, दो बार मैंने वॉश किया है इसको, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करके और मैं इसको उबालने के लिए रखूंगी। इसको ऐसे ही कट किया है, इसको बस इस तरीके से मैंने कट कर लिया है ये, क्योंकि उबलना तो इसे वैसे भी है। तो अब हम इसको इस तरीके से सारे को कट करके डाल देते हैं। मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, और देखो इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसमें इतना पानी डाला है। देखो मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूं, तो देखो ये इतना पानी डाला है, इसमें ज्यादा भरना नहीं है पानी। वैसे सबको पता रहता है, लेकिन कोई नया है जिसे खाना बनाना नहीं आता, तो वो आराम से इजीली बथुए का रायता बना सकता है। तो इस तरीके से इसको मैं इतना डुबो रही हूं, देखो ऐसे प्रेस करने पर जब पानी आता है, ऐसे प्रेस करने पर तब ही हमें गैस पर चढ़ाना है हमें ऐसे ही, और ज्यादा पानी नहीं भरना है। और अब हम इसको ढक देंगे उबलने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना नमक डालना, ना और कोई चीज डालनी, खाली पानी डाल करके हमें इसे उबालना है। अब देखो हम इसको चेक करते हैं एक बार, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये उबल रहा है, ये देखो अब इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, बस इसको देखो पानी बिल्कुल ऊपर आ गया है और बथुआ बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि बथुआ पहले ज्यादा दिख रहा था, अब गल गया है बथुआ। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और उबालेंगे, क्योंकि जो इसकी डंडियां हैं, तो इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि अभी ये हुई नहीं है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और उबालेंगे, तो अभी हम इसको ढक देते हैं, बस 5 मिनट के अंदर ये उबल जाएगा। अब देखिए ये देखो इस तरीके से हो गया है, आपको दिखाऊं इसकी डंडी, देखो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई है। तो इसका मतलब ये हमारा बथुआ हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए पानी निकालेंगे इसका। अब इसका पानी निकाल लेंगे हम, कोई भी ऐसी चालनी ले लेंगे जिसके अंदर, मैंने ये ऐसी चालनी ली है, आप स्टील वाली भी ले सकते हो, तो मैंने ये ली है। और अब मैं इसके अंदर ये सारा पानी निकाल के और आपको ठंडा करने के लिए इसको दिखा देती हूँ। ये देखो सारा पानी निकल गया इसका, और अब ये थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा। ये देखो मैंने सारा इसको मेश कर दिया है, और अब हम इस दही को भी बिलो लेंगे। ये दही भी मैंने बिलो लिया है, दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, मैंने तो ये 1 kg दही लिया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और अब मैं ये बथुआ इसमें सारा डाल दूंगी। ये मैंने देखो जीरा लिया है, और इस जीरे को भून लिया है तवे के ऊपर, और ये हमारा भुन चुका है। और अब हमने ये लिया है कोयला, ये लकड़ी का कोयला है, तो ये मैंने चूल्हे की लकड़ी में से लिया है ये कोयला, और अब मैं इसको रख दूंगी गैस के ऊपर। तो ये भी एक इसके अंदर सीक्रेट है, इसका बहुत ही अच्छा रायता बनता है। और मैं इसको अब एक लोड़ी लेकर के इसको तवे के ऊपर ही इसको थोड़ा सा मसल लेती हूँ, ताकि ये थोड़े से इसके पीसेस हो जाए। हमें इसे दरदरा सा ही करना है, क्योंकि ये दरदरा सा ही इस रायते में अच्छा लगता है।
अगर आपके पास भुना हुआ जीरा पहले से ही रखा हो तो आपको जरूरत नहीं है। ये जीरा मैंने सारा इसमें डाल दिया है और ये स्वाद के अनुसार मैं काला नमक भी डाल रही हूँ। ये काला नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर काले नमक का रायता बहुत ही काले नमक से रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने लहसुन का ओखली के अंदर कूट करके दरदरा सा पेस्ट, लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं खाते तो, और अगर खाते हो तो डाल सकते हो। फ्रेंड्स मैंने स्वाद के अनुसार मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर आप कम ज्यादा कर सकते हो। और अब मैं सारी चीज डाल करके इसको छोटी रई से ऐसे मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा रायता बन गया है। और ये देखो इसमें धुआं भी भर गई है। और अब हमने इसके ऊपर लगा दिया है ढक्कन और अब हम इसमें डाल देंगे रायता। ये देखो धुआं के अंदर मैंने सारा रायता डाल दिया है और ढक्कन लगा दिया है। ये देखो मैंने आलू छिल लिए हैं और ये टमाटर है, ये मैंने एक बाउल चावल लिए हैं, ये प्याज कट कर लिया एक हरी मिर्च है, थोड़ी सी अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है और ये थोड़ी सी मटर है और ये करी लीव्स है। तो आज हम मटर वाले आलू मटर वाले चावल भी बनाते हैं। तो ये मैंने सारा सामान आपको दिखा दिया है और मसाले जो मैं डालूंगी उसमें वो आपको मैं बताती जाऊंगी। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ऑयल। तो ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हो, ये मेरे पास पका हुआ ऑयल था तो मैंने आज यही काम में ले लिया है, सरसों का ही ऑयल है ये। अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे, ये पका हुआ ऑयल था इसलिए थोड़ा सा ये इसमें ऐसे लग रहा है कि आपको ये दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर ये जीरा डाल दूंगी। और ये मैं अदरक और लहसुन का इस ओखली के अंदर मैंने कूट करके ये बना दिया है और ये डाल दूंगी। साथ में ये प्याज डाल दूंगी, मैंने कुछ काली मिर्च ली है ये भी इसमें साबुत ही डाल दूंगी। लीव्स में थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि साबुत साबुत सी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से आप साबुत भी पसंद है तो डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी कट कर ली है और अब मैं ये भी इसी में ही डाल देती हूँ, इसी में ही डाल रही हूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हिलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से सारे हो गए हैं ब्राउन और अब हम इसके अंदर ये आलू डाल देंगे। अब ये मैं मटर भी इसमें ही डाल दूंगी और अब मैं इसमें ये एक हरी मिर्च मैंने ली थी तो इसको भी मैं इसमें से दो पीसेस करके और इसको भी मैं कट कर दूंगी इसी में ही। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते हुए इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे ये हमने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है। ये मैंने चार टमाटर लिए थे तो उनकी मैंने मिक्सी के अंदर इनको ग्राइंड कर लिया है तो मैं ये भी इसके अंदर ही डाल दूंगी। डाल रही हूँ इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी सी मैंने और ली है, ये तीखी कम है ये मिर्च। ये डाल रही हूँ मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, ये डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर और ये डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसको मिक्स करते हुए दिखाते हैं आपको। देखो ये देखो मैंने मिक्स कर दिया है, सारे मसाले डल चुके हैं इसके अंदर और अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। ये देखो मैंने चावल वॉश कर लिए हैं अच्छे से, ये चावल जो हम खिचड़ी बनाते हैं वही वाले चावल है, खीर खिचड़ी। तो ये मैंने सादे से सिंपल चावल लिए हैं, देखना कितने बढ़िया चावल बन के रेडी होते हैं ये। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इनको, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे चावल डाल करके। ये देखो अब हम मिक्स कर रहे हैं, ये मैं एक बाउल पानी डाल रही हूं। मैंने थोड़ा सा मिक्सी का वो ग्राइंड टमाटर की प्यूरी में संधा हुआ था तो वो पानी थोड़ा सा मैंने डाला है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी डालना है हमको। ये मैं दूसरा बाउल पानी डाल रही हूँ
तो मैंने करीब करीब ये 2.5 बाउल पानी डाले हैं, जो भी बर्तन से आप मेजरमेंट करते हो पानी का चावल का, उसके 2 गुना 2.5 गुना पानी डाल देना, चावल की क्वांटिटी खूब बढ़ेगी और पानी भी कम नहीं रहेगा ना ज्यादा रहेगा। और एक दूसरा मेजरमेंट ये भी है कि हमारे चावल है जिसको, जिसकी सतह को हम नापते हुए, बस ये यहां तक हमारा, ये देखो ऑयल दिख रहा है आपको, यहां तक हमारा डूब गई है हमारी उंगली। तो अब चावल अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे से फूल भी जाएंगे। अब इसी के साथ अब मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर ढक्कन। ये ढक्कन लगा दिया है मैंने और अब इसमें मैं 1 सीटी लूंगी, क्योंकि मेरे कुकर के अंदर 1 सीटी में ही चावल बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। ये मैंने दही लिया है और अब मैं दही इस छोटी सी मटकी के अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने इस चालनी से और ये मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, क्योंकि अब हम इस बथवे को इस रई से ही ऐसे मेश कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी जो डंडियां हैं जो एकदम मिक्स हो जाएगी ऐसे। अगर मिक्सी में करना चाहो तो मिक्सी में कर लो, लेकिन मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता जो हम ऐसे करते हैं। कुकर में हमारे में सीटी आ चुकी है, देखो सीटी आ चुकी है और मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो अब हम इसकी सीटी सारी निकाल लेंगे। ये देखो हमारे कोयले अच्छे से गर्म हो चुके हैं और इनमें अब आंच हो गई है, तो अब गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद और ये हम इसको गैस से हटा लेंगे। और अब लेंगे हम घी, तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो इसको सही से टिका करके, ये टिका नहीं अभी इसके ऊपर, और इसको सही से इसके ऊपर टिका करके अब हम घी डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये जो धुआं निकल रही है, इस धुआं के ऊपर हम ये डिब्बा रख देंगे, तो ये हमारी सारी धुआं इसमें कैच हो जाएगी। अब हम ढक्कन हटा देते हैं। हमारे कुकर में से सारी सीटी हमने निकाल दी थी, आपको बताई थी मैंने, तो ये मैंने इसका ढक्कन हटाया और ये देखो हमारे चावल कितने अच्छे बन करके तैयार हो गए हैं। तो देखो कितने बढ़िया चावल बने हैं। अब हम डाल देते हैं प्लेट के अंदर। तो ये मैं चावल और रायता आज सर्व करूंगी और अब मैं इस ढक्कन को हटा करके इसमें दोबारा डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने आज ये हांडी में ही रखना है रायता। तो अब इसको हम दोबारा ढक देंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरा रायता बनाना और ये आज चावल ऐसे इस तरीके से चावल मटर वाले, आलू मटर वाले चावल बनाने पसंद आए हैं और ये रायता बनाना पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और लाइक कर देना बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू फ्रेंड्स।